रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज जो देख रहे हैं बड़ी अम्मा जी, इनका एक बेटा है, इनका शोहर जो है दूसरी शादी करके अपने बीवी बच्चों के साथ अलहदा हो गया और ये अम्मा जी जो है अकेली यहाँ पर रहती हैं। ये इनकी ज़मीन तो है लेकिन यहाँ पर इनका रूम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। छोटा इनका बेटा है जो साल का, और वो मजदूरी करता है, होटल पर जाकर बर्तन वगैरह धोता है और अपनी माँ जी का और अपना खर्च चलाता है। अभी जो है ना, अम्मा जी हमें एक जगह से लेकर आई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो भी रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अम्मा? ठीक है, तबीयत सब ठीक है अम्मा? तू और सा कुछ साथ नहीं है, तेरे क्या मसले हैं? सबको मसले देखो, मैं तो ये मसले हैं, मेरे मकान कहीं नहीं, मेरे बहुत छोटा जगह है। अच्छा, परेशान थी वी। अच्छा, तेरे खावन को छोड़ गया कितने साल थी गया? त्रे साल चार साल थी गया, मुला परना खड़ी था। अच्छा भाई, पर नीचे अलग थी गया तो वो रोटी पानी खावन पीवन कैसे कहने दा? कैसे कहने दा? तू किमे वाल गुजारा करे नी? वो पोत मेरा छोटा दादा ये दा, आज जुमा है, आज आना है, आज आया काम। अच्छा, होटल दे काम करे दे? या होटल दे था बर्तन दे पर। ओए हो, अम्मा जी कह रही हैं कि मेरा छोटा सा मासूम सा बच्चा है जो होटल पर बर्तन वगैरह धोता है और इस अम्मा जी की कफालत करता है। अम्मा जी आप परेशान ना हों, आप परेशान ना हों, मेरी माँ आप रोएं बिना, आप वहाँ मेरे पास आकर रो रही थी, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना आपके लिए ज़रूर बंदोबस्त करेगा। अरे पढ़ने में था बाल तरह जी जा पढ़ने पढ़ी तो छुड़वा ली तेरे चक्र में को नात देना कर के आदम गिदी भी तुम कैसे गिदी भी तुम निकल कैसे लाओ को उतरा करके दिहाड़ी देने ते वाला था बर्तन दो आंदे वाला। पहले बेटा इनका जो है ना पढ़ता था, तो फिर इन्होंने खुद ही कहा कि मैंने बेटे को वहाँ से जो है ना हटा कर अपने बेटे को एक जगह होटल पे खड़ा किया है जहाँ पर वो 300 रुपये पर डे लेते हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश है, आप इनके लिए राशन का अगर हर मंथ लगा दें ताकि इनका बेटा जो है ना पढ़ लिख कर इनका सहारा बन जाए।